हाँ बच्चों, पीवाई क्योंकि नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और है। जेई मेंस 29 जनवरी 2024 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया है सवाल। देख लीजिए, सवाल मैं इधर लिख दिया हूँ रेट से। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, एक्स क्यूब लोअर लिमिट, पाई बाई टू का क्यूब अपर लिमिट, इंटीग्रेशन का कॉस टी पे पावर 1/3 dt डिवाइडेड बाई एक्स माइनस पाई बाई टू का क्या होल स्क्वायर। सवाल लेबनिज़ थ्योरम और लिमिट का मिलाकर सवाल है। तो सवाल के लिए मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद सवाल पे आ रहा हूँ। सवाल पे आ रहा हूँ उसको, कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले आपने समझना पड़ेगा क्या, लेबनिज़ थ्योरम क्या समझना पड़ेगा, लेबनिज़ थ्योरम। उसके बाद सवाल को अपन सोल्व कर डालें। तो पहले सवाल नहीं बता रहा हूँ मैं, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। लेबनिज़ थ्योरम क्या होगा, मान लो कि वाई कोई फंक्शन है, वो क्या है, फाइव एक्स से लेकर कहाँ तक है, जी एक्स तक है, सही है। हाँ सर, और यह है लिखा हुआ एफ टी डी। और कभी इसको डिफ्रेंशिएट करना हो, मैं तुम्हें ये बात बता दूं, लेबनिज़ थ्योरम से हर पेपर में सवाल पूछे गए, हर पेपर में। सुन रहे हैं? हाँ सर। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए डी वाई बाई डी एक्स, कैसे कीजिएगा डिफ्रेंशिएट, सुनना ध्यान से। क्या कीजिएगा डिफ्रेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, टी इज रिप्लेस बाई अपर लिमिट। टी को किससे रिप्लेस करो, अपर लिमिट से, सही है। टी इज रिप्लेस बाई क्या, अपर लिमिट। लेबनिज़ थ्योरम से डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, सुनना, कंप्लीट लेबनिज़ बता रहा हूँ ना। हाँ सर, टी रिप्लेस बाई क्या, अपर लिमिट, मतलब एफ जी एक्स इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, जी डैश एक्स माइनस सेम कहानी नीचे वाले से, टी रिप्लेस बाय क्या, लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन। ये होता है लैगनिज थ्योरम। क्या होता है ये, लैगनिज थ्योरम, सही है। दूसरी बात मैं बता दूं कि कभी भी इंटीग्रेशन का अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। कितनी होती है, जीरो, सही है। अब सवाल को सोल्व करते हैं, सुनना ध्यान से, क्लियर हो। अब आते हैं सवाल। सवाल क्या है सर, सवाल है सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, एक्स क्यूब से कहाँ तक, पाई बाई टू का क्यूब लिमिट है और अंदर में क्या लिखा हुआ, कॉस टी पे पावर 1/3, कॉस टी पे पावर क्या 1/3 dt डिवाइडेड बाई नीचे में क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस पाई बाई टू का क्या होल स्क्वायर। यही सवाल है ना, देख लीजिए मिला लीजिए, क्लियर हो। हाँ सर, एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर नीचे में, एक्स क्यू से पाई बाई टू क्यूब, कॉस टी पे पावर क्या 1/3 dt। अब सोचो कि अगर मैं एक्स की वैल्यू पाई बाई टू रखूँ, ये क्या बनेगा, पाई बाई टू क्यूब बनेगा, मतलब सेम बन जाएगा लिमिट अपर और लोअर। हाँ सर, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम बनेगा, तो ऊपर की वैल्यू तो जीरो आ जाएगा, और नीचे भी मैं एक्स की वैल्यू पाई बाई टू रखूँ तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू कितना जाएगा, जीरो। ये कौन सा फॉर्मूला लिमिट का, 0/0 फॉर्म। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहिए। कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल, याद है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो लिमिट का, कौन सा फॉर्म हो, 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। क्या कीजिए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट कीजिए, न्यूमरेटर को मतलब ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन कर दो और नीचे का अलग। ये तब तक करना है जब तक 0/0 फॉर्म खत्म ना हो। क्या होता है एल हॉस्पिटल, सुन लीजिए, एल हॉस्पिटल में ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग करना है और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग करना है। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे साहब, लेबनिज़ से, कैसे करेंगे, लेबनिज़ से। तो लेबनिज़ क्या बोलता है, टी रिप्लेस बाय अपर लिमिट, सही है। हाँ सर, तो टी की जगह पर अपर लिमिट रखिए, टी की जगह पर अपर लिमिट रखूंगा पाई बाई टू का क्यूब, तो यहाँ बन जाएगा पाई बाई टू, अरे बोलो भाई, इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस सेम कहानी नीचे वाले से, टी रिप्लेस बाय लोअर लिमिट, तो यहाँ रखूंगा एक्स क्यूब, अरे ऐसे टी पे पावर 1/3 में एक्स क्यूब रखोगे तो एक्स क्यूब पे पावर 1/3 बनेगा, तो ये कट लेगा, ये बन जाएगा कॉस एक्स, क्या बन जाएगा, कॉस एक्स। और लोअर लिमिट का भी डिफरेंशिएशन, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x2, फिर नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग से 2 सामने आ जाएगा और क्या बन जाएगा, एक्स माइनस क्या पाई बाई टू। अब देखो लिमिट का सिंपल सवाल हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया। हाँ सर, ये क्या बन गया सर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या पाई बाई टू, सही है, -3x2 इंटू क्या, -3x2 इंटू क्या कॉस एक्स डिवाइडेड बाई क्या 2 इंटू एक्स माइनस क्या पाई बाई टू। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, आप सुनना ध्यान से, यहीं पे बता रहा हूँ। देखिए क्या करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या पाई बाई टू, इसको मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये डिस्टर्ब करेगा अपने को, ये वाले को, है ना। हाँ सर, मुझे समझ आ गया होगा, सही है, सुनना ध्यान से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या पाई बाई टू, आप सुन ध्यान से, ये -3x2, ये कॉस को लिख दो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा। हाँ सर, और यहाँ से माइनस कॉमन लो तो -2 हो जाएगा और ये बन जाएगा पाई बाई टू माइनस क्या एक्स। देखो तो क्या
क्या ये ऐसा नहीं बन रहा है? साइन थीटा बाई थीटा टाइप का चीज पूरा ये देखो, जहाँ थीटा कहाँ जा रहा है, जीरो तरफ जा रहा है ना। अरे थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई टू माइनस एक्स है ना। हाँ सर, तो एक्स की वैल्यू अगर पाई बाई टू रखो तो क्या थीटा जीरो, कितना थीटा जीरो बन जाएगा। हाँ सर, तो ये जो घेरा वाला लिमिट है ना, ये क्या बन रहा है, ऐसा बन रहा है साइन थीटा बाई थीटा और लिमिट थीटा टेंडिंग टू क्या जीरो, ये घेरा वाला। अरे हाँ सर देखो ना, अरे एक्स की वैल्यू पाई बाई टू रखूंगा यहाँ पे तो थीटा कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। इसकी वैल्यू तो वन होता है, मतलब इस ब्लैक घेरे की वैल्यू कितना हो जाएगा, वन। ब्लैक घेरे की वैल्यू कितना हो जाएगा, अरे वन। तो आंसर क्या आ जाएगा सुनो, ये माइनस माइनस को प्लस हो जाएगा। हाँ सर, 3/2 और एक्स स्क्वायर मतलब पाई बाई टू का स्क्वायर, सही है। और घेरे की वैल्यू कितना हो गया, वन हो गया, तो कितना बन जाएगा, 3π² डिवाइडेड बाई क्या, 8। देख लो भाई, 2 का 4 4 2 जा क्या 8, ऊपर में 5 2, आंसर क्या आ जाएगा, 3π² में क्या 8। हर पेपर में जेई मेंस में एक सवाल लेबनिज थ्योरम का आया ही, और मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट लेबनिज थ्योरम बता दूँ। आंसर क्या आ जाएगा, 3π² में क्या 8, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देखो आसान सा सवाल था, क्लियर हो। हाँ सर, देख लीजिए भैया।